The topic I am going to talk about now is group practice. Group practice is one type of therapy business. As you see, जब हम different mental health professionals की बात करते हैं तो हमें at times एक consortium दिखाई देता है जहाँ पर एक psychiatrist काम कर रहा होता है उसकी team में कुछ psychologist काम कर रहे होते हैं कुछ social worker काम कर रहे होते हैं और इस तरीके से उसका एक पूरा business model develop हुआ होता है Similarly, जैसे हम health professionals को देखते हैं कि एक main lead डॉक्टर या गायनोकोलॉजिस्ट होता है उसके अंडर दो तीन सब गायनोकोलॉजिस्ट होती हैं और उसके बाद नीचे कुछ उसको असिस्ट करने वाले ट्रेनी डॉक्टर्स होते हैं सो मेंटल हेल्थ भी वैसा ही एक मॉडल फॉलो करते हैं और वो भी एक ग्रुप प्रैक्टिस जो है उसमें अक्सर काम कर रहे होते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस टिपिकली इन्वॉल्व वन थेरेपिस्ट प्रोवाइडिंग मेंटल हेल्थ सर्विस टू पीपल सीकिंग ट्रीटमेंट अ ग्रुप प्रैक्टिस इंप्लॉय मल्टीपल थेरेपिस्ट एंड काउंसलर्स हु हैव जर ओन बिजनेस वो लोग जो सिर्फ अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को मेनटेन रखना चाहते हैं जो एक सोली अपना नाम बनाना चाहते हैं एक सोलो फ्लाइट करना चाहते हैं उनके लिए ग्रुप प्रैक्टिस जो है वो बिल्कुल अपीलिंग नहीं होती However, many mental health professionals, especially in this recent times where everything is in a race or people speed a a mental health professional finds this a very good opportunity and they offer uh, a number of financial and professional rewards for those who work in a group. So, they have a lot of advantages, and in the later slides, we will be talking about.

एक सेक्रेटरी है वो सबको डील कर रही है और एक ही प्लेस है जिसका रेंट वो सब शेयर कर करके दे रहे हैं लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स के ऊपर बैठ रहे हैं जिसकी वजह से वो जो उनका सेंटर है वो एक ग्रुप प्रैक्टिस की बहुत अच्छी एग्जाम्पल जो है वो प्रूफ हो सकता है दिस चार्ज में डिफर सम वर्ट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ग्रुप लाइक ये इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप हो सकती है इनफॉर्मल अरेंजमेंट हो सकता है इनफॉर्मल अरेंजमेंट में हम ये कह सकते हैं कि वो अपने अपने टाइम पे आते हैं अपनी अपनी प्रैक्टिस करते हैं और चले जाते हैं एक का क्लाइंट दूसरा इंडिविजुअल नहीं देख सकता लेकिन जब हम इसको एक इनकोपोरेटिड पार्टनरशिप कहते हैं तो दे कैन म्यूचुअली शेयर द केसेज दे कैन डिस्कस द क्लाइंट्स विद ईच अदर और फिर उसमें से वो एक दूसरे के साथ अपने क्लाइंट्स जो हैं उनको एक्सचेंज भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सपर्टीज देयर टाइम देयर अवेलेबिलिटी एंड देयर नॉलेज

यानी आप कंपनसेशन दे रहे हैं किसी एक इंडिविजुअल को जो आपके लिए क्लाइंट्स लेकर आ रही है यानी हम कहते हैं अप्रोप्रिएट रेफरल्स नाउ यू हैव डिप्यूटेड समन जो सिर्फ आपके लिए आपको अप्रोप्रिएट रेफरल्स करके दे रहा है सिर्फ हर रेफरल में आप ही का नाम जो है वो मैंशन कर रहा है एंड वेन परसेंटेज ऑफ ग्रॉस इनकम आर चार्ज थेरेपिस्ट ऑटोमेटिकली रॉ यानी एट टाइम्स आपको सिर्फ रिलैक्सेशन ट्रेनिंग लेने के लिए जो चार्जेस देने हैं सिर्फ वो नहीं मिल रहे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने के जो चार्जेस हैं वो नहीं रह रहे सिर्फ एक थेरेपिस्ट बिकॉज ही इज़ अ बिग नेम उसके पास जाने के लिए आप ज़्यादा भी चार्जेस पे करने के लिए तैयार हैं बिकॉज़ यू नो एक ब्रांडिंग हो जाती है जैसे हम मीडिया इमेज की बात करें एक ब्रांडिंग हो जाती है कि दिस इज़ अ वेरी सीनियर पर्सन दिस इज़ वेरी वेल नोल्ड और इसके पास जाने के लिए हाई फी पे करना जो है वो भी एक्सेप्टेबल है इन सच इंस्टेंसिज द क्लाइंट वेलफेयर इज़ ईजिली इग्नोर्ड जब हम इस किस्म की प्रैक्टिस में घुस जाते हैं जहाँ ब्रांडिंग हो जाती है जहाँ पर इस तरह की इमेज बिल्डिंग हो जाती है वहाँ पर मे बी एट टाइम्स हम क्लाइंट की वेलफेयर जो है उसको इग्नोर कर रहे होते हैं और ब्रांडिंग और सेल्फ इमेज प्रस्टीज को हम प्रिफर कर रहे होते हैं